तो चलिए सीधा रुख करेंगे सांवेर का, जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सभा का संबोधित कर रहे हैं। रामेश्वर पटेल जी, विजय बहुत बड़े बाकरीवाल जी, विशाल पटेल जी, अंतर सिंह दरबार जी, अश्विनी जोशी पटेल जी, सत्यनारायण पटेल जी, विनय बाकरीवाल जी, विशाल पटेल जी, अंतर सिंह दरबार जी, अश्विनी जोशी जी, राजेश्याम पटेल, सत्यनारायण पटेल, कुणाल चौधरी जी, पंकज संघवी जी, अमन बजाज जी, चंद्रशेखर पटेल जी, राजेश्याम पटेल जी, बुजुर्ग हरी सरपंच जी, मुकेश यादव जी और बहनों, अमन बजाज जी, चंद्रशेखर पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बुजुर्गो, आप सब ने आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब ने आकर कांग्रेस का मान सम्मान बढ़ाया, मुझे बल और शक्ति दी। आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 60 उपचुनाव हो रहे हैं, 60 उपचुनाव हो रहे हैं देश में, इसमें 60 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में, 60 उपचुनाव हो रहे हैं हमारे संविधान में, 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश में है, हमारे संविधान में प्रावधान है, तो हमारे प्रजातंत्र का एक उत्सव है। पर यहाँ कैसे उपचुनाव, तो ये जो उपचुनाव प्रजातंत्र का सांवेर में हो रहा है, और यहाँ कैसे उपचुनाव, ये जो उपचुनाव हो रहे हैं सांवेर में हो रहा है, और 25 उपचुनाव जो मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने समाज किस प्रकार से उन्होंने प्रावधान रखा था, कोई सांसद नहीं रहे, कोई विधायक ना रहे, संविधान बनाए तो उपचुनाव हो गए। उन्होंने प्रावधान रखा था, कोई सांसद नहीं रहे, कोई कि अपने देश ऐसे सौदे की ऐसी बोली बोलने की भी राजनीति, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह कभी सोचा था सौदेबाजी की वजह से देश में ऐसे सौदे की ऐसी बोली बोलने की राजनीति आ जाएगी, किस प्रकार सौदेबाजी की वजह से उपचुनाव और संविधान के साथ खिलवाड़। मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हमारे प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ हुआ। मैं तो नौजवानों को कहना चाहता हूँ, संविधान और ये प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की लोगों ने तो जीवन काट लिया आपने, पर संविधान और प्रजातंत्र 2018 के नवंबर में तय किया था कि हम 15 साल की चलती हुई भारतीय जनता पार्टी को घर बिठाएंगे, आपने तय किया था। आपने शिवराज सिंह को विदा किया था, आपने शिवराज सिंह को विदा किया था, और आपने वोट करके, कांग्रेस का वोट करके, मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट करके कांग्रेस की सरकार बिठाई थी, और हमने आपके वोट से कांग्रेस की सरकार 2018 में हमने बनाई थी। हमने नोट से सरकार नहीं बनाई, 7 महीने पहले तो ये नोट से बनी हुई सरकार। 15 साल में बाद शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कहां ढकेला, कैसा प्रदेश हमें सौंपा, हमें ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन। शिवराज जी कहते हैं मैं तो किसान का बेटा हूं, पर किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर वन, महिलाओं की अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर वन, और शिवराज सिंह कहेंगे मैं तो मामा हूं, बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, ये डंपर व्यापम ई टेंडर, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता, आप सब परिचित है, भ्रष्टाचार में नंबर वन, ऐसी सरकार हमारे हमें सौंपी, और इनको 15 साल नहीं दिखा, इनको 15 साल हमारे किसानों का चेहरा नहीं दिखा, उनका दुख नहीं दिखा, इनकी आंखें नहीं चलती थी, दिख नहीं सकता था। ये जो बेरोजगार नौजवान है, इनकी आवाज ने नहीं सुनाई पड़ती थी, इनके कान नहीं चलते थे, मुंह भर चलता था, कुछ भी बोल दो 15,000 घोषणाएं कर दी शिवराज सिंह, जिले जिले में जाओ कहते जी शिवराज सिंह ने 10 साल पहले ये घोषणा करी थी, फलानी घोषणा करी थी, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, तो 15 साल में मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें अच्छी तरह पहचान लिया था, हमारा किसान बिना दाम के, नौजवान बिना काम के, मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा था शिवराज आप किस काम के, और घर बिठाया था। ये
सरकार हमें सौंप को कौन सी चुनौती नहीं थी, चुनौती थी हमारे कृषि क्षेत्र में कैसे नई क्रांति लाएं। आज ये हमारा बाजार चलता है, हमारे गांव में किराना की दुकान चलती है। जब किसानों की जेब में पैसा हो, जब हमारे नौजवानों की पढ़ाई अगर ठीक से होनी है तो किसानों की अगर खरीदने की ताकत ना हो तो हमारे नौजवान की पढ़ाई भी ठीक नहीं होगी, वो अच्छी कमीज नहीं पहन पाएगा। तो अगर किसानों को जेब में कुछ पैसा हो तभी वो अच्छी कमीज खरीद पाएगा। तो हमारा प्रयास था कि हम नई शुरुआत करें, किसानों का कर्जा, किसान का कर्जा माफ करने की योजना बनाई। किसान का जन्म कर्ज में होता है, मृत्यु कर्ज में होती है। किसान के साथ कौन सा अन्याय नहीं, कौन सी कीमत, कौन सा मूल्य उसे मिलता है। और शिवराज सिंह झूठ बोलते हुए कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ। अब तो आप जानते हैं 15-20 दिन पहले विधानसभा में कहा कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया, झूठ पकड़ा गया। शिवराज जी आपके तो बहुत सारे झूठ पकड़े जाएंगे। और जब मैं झूठ की बात कर रहा हूं तब शिवराज जी को मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तो झूठ को भी शर्मा देंगे, झूठ भी आपसे शर्म करेगी। आज मैंने सुना, ये कैमरा वाले रिकॉर्ड कर लीजिए इसे, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर लें। आज मैंने सुना कि शिवराज सिंह कहते हैं कमलनाथ एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके उद्योग देश भर में है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मैं शिवराज सिंह से कहता हूं, शिवराज जी एक हद होती है झूठ बोलने की, एक हद होती है झूठ बोलने की। क्या आप बता सकते हैं कौन सा उद्योग मेरा है, कौन सा एक उद्योग का नाम बता दीजिए देश भर में। झूठ, झूठ बोल लो, दूसरे दिन दूसरा झूठ बोल लो। तब आज शिवराज सिंह ने कहा कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया। शिवराज सिंह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब मैं केंद्र में मंत्री था आप ही मेरे पास आते थे, कितनी दफे आए थे। और जब मैं केंद्र में मंत्री था, मैं परिवहन मंत्री था, शिवराज जी कान खोल के सुन लीजिए, आपने ही मुझे धन्यवाद दिया था कि सबसे ज्यादा पैसा आपने देश भर में मध्य प्रदेश को दिया है। शिवराज सिंह कहां तक आप झूठ बोलेंगे, आपको याद है, वो रिकॉर्डिंग भी है, आपने कहा था, और ये तो रिकॉर्ड की बात है कि सबसे ज्यादा जब मैं परिवहन मंत्री था सेंट्रल रोड फंड का पैसा, ये जो 4 लेन 8 लेन बन रही है इसका पैसा मैंने दिया था। इंकार करिए शिवराज सिंह जी, इंकार करिए, आंकड़े दिखाइए, सरकार में आप हाथ बैठे हैं, ये छिप नहीं सकती बात। अगर सैंक्शन हुई तो रिकॉर्ड में सैंक्शन हुई, आपके सपने में सैंक्शन नहीं हुई। और अगर पैसा आया ये अपने प्रदेश की तिजोरी में पैसा आया, आप ये रिकॉर्ड की बात है। जब मैं शहरी विकास मंत्री था सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को मिला। और शिवराज सिंह जी एक और बात कहना चाहता हूं, 2014 में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी ना भारतीय जनता, उसके बाद कितना पैसा आया मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, क्या इसका भी आप खुलासा करना चाहते हैं, इसमें आप झूठ नहीं बोलना पाएंगे। मैं तो पूरे मीडिया को कहना चाहता हूं इनसे कहिएगा ये सबूत आपके सामने रख दे, ये सबूत आपके सामने रखे कि जब मैं मंत्री था केंद्र में कितना पैसा आया था, और 2014 से हमारे सड़कों के लिए, हाईवे के लिए कितना पैसा आया, हमारे शहरी विकास के लिए कितना पैसा आया। झूठ आप कहां तक बोलेंगे शिवराज सिंह जी, आपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, आपने मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से बनाई, आपने मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से बनाई। मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया, आपके पेट में दर्द होने लग गया। जब मैंने माफिया के खिलाफ चलाया, आप गवाह हैं, माफिया के खिलाफ युद्ध चला था, बताइए। शिवराज सिंह के पेट में दर्द होने लग गया, मैं तो मध्य प्रदेश की पहचान बनाना चाहता था। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से नहीं होगी, मध्य प्रदेश की पहचान
मिलावट से नहीं होगी। मध्य प्रदेश की पहचान हम एक ऐसे प्रदेश बनाना चाहते थे, ऐसी पहचान बनाना चाहते थे, मध्य प्रदेश का चेहरा हो जिसमें लोग विश्वास करें और निवेश लगाए। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों के भविष्य की है, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। और यही नौजवान जो भटक रहा है, शिवराज सिंह जी कितने उद्योग बंद हुए, मैं भिंड मुरैना मथा मालनपुर चौपट, हमारा मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। पर जिस दिन वो सोचते थे कि ये ऐसा प्रदेश है जहां तो माफिया से हमें डील करना पड़ता है, जहां तो हमें मिलावटखोर से डील करना पड़ता है, कोई मध्य प्रदेश में निवेश लगाने को तैयार नहीं था, हमारे बेरोजगार नौजवान भटकते रहे। आज हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और है, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। बुजुर्गों ने तो जीवन एक दूसरी दुनिया में काटा है, आज के नौजवान की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, सही है? आज के नौजवान में समझ है। शिवराज जी आपको अच्छी तरह पहचान रहा है, आपका झूठ पहचान रहा है। शिवराज जी आज के नौजवान में एक तड़फ है, वो आपका ठेका नहीं चाहता, वो आपकी कमीशन नहीं चाहता है, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और ये आर्थिक गतिविधि तो तब बनेगी जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास है। एक उद्योग लगता है, 5 नौजवानों को मौका मिलता है, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई मरम्मत का काम कर लेता है, कोई होटल खोल लेता है। पर शिवराज जी की ये सोच नहीं, कहते झूठ बोलो, लोगों को मूर्ख बनाओ, ध्यान मोड़ो। शिवराज सिंह जी आ जाइए किसी मंच पर, वहां खड़े हो जाइए, आप 15 साल का हिसाब दे दीजिए, पिछले 7 महीने जो आपने प्रदेश का कबाड़ा किया है उसका हिसाब दे दीजिए, जो आपने 7 महीनों में सौदा किया है, जो आप कानून लाए हैं, किसान विरोधी कानून लाए हैं, जहां आप निजीकरण मंडी का करने जा रहे हैं। शिवराज जानते हैं कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम कानून बनाएंगे, प्रावधान रखेंगे कि